बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य है ये आपको दिखाना चाहूंगा। ये तीन लोग हैं जो कभी कांग्रेस में रहा करते थे लेकिन आप पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब आप देखिएगा कि कमल का निशान भी है और साथ में ये तमाम तुलसी सिलावट जी है और साथ ही बिसाहू लाल जी है और प्रभुराम चौधरी जी है। तीनों समझना चाहूंगा, अब काफी वक्त हो गया, आप लोग तो मंत्री है, आप सब बीजेपी के हैं। हम लोगों ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, इस माँ के आंचल में आ गए हैं, अब कोई तेरा मेरा नहीं, सब हम सब भाजपा में। कोई तेरा मेरा नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही बात कर रहा हूँ कि अब करीब करीब 8-9 महीने हो गए हैं, कितना अलग है ये संगठन। वहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण है, यहाँ संगठन महत्वपूर्ण है, ये बहुत बड़ा अंतर है। संगठन यहाँ सब कुछ है जी। बस बिसाहू लाल जी, लंबे समय तक दूसरे विभाग के मंत्री भी रहे कांग्रेस में और अब भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे, कितना अलग है बीजेपी और कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, अनुसूचित जात जनजाति पिछड़े वर्ग सभी को साथ में लेकर काम कर रही है, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। क्या लेके जाने वाले आज यहाँ से? अब देखिए जो भी मार्गदर्शन मिले। प्रभुराम जी, आपके पास कई चुनौतियां इस समय, तो वैसे भी स्वास्थ्य मंत्रालय बड़ा महत्वपूर्ण है लेकिन पहले भी था और वर्तमान में भी स्वास्थ्य मंत्रालय, सरकारें बदली, अब आप बीजेपी के हैं, सबसे ज्यादा मतों से जीते, लेकिन ये पहले आपका ट्रेनिंग होगा जहां आप लोग ट्रेनिंग पाने जा रहे हैं, कितना क्या लग रहा है आपको, क्या लेके जाने वाले यहाँ से? अब आज आए हैं, जो भी हम लोगों को गाइडलाइन और प्रशिक्षण जिस तरीके का मिलेगा उस पर चलने का हमारा आगे का रहेगा। कितना अलग है बीजेपी और? बीजेपी एक संगठित और एक अनुशासित पार्टी है और उसमें जो पार्टी तय करती है उसके अनुसार सब लोग उसका काम करते हैं। कांग्रेस में व्यक्ति महत्वपूर्ण रहता है। व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं लेकिन सत्ता से संगठन के बीच में समन्वय की बात भी कही जा रही, तो क्या समन्वय बराबर है यहाँ या कुछ कमी है? यहाँ पूरी तरह समन्वय है और सब संगठन के हिसाब से सारे लोग काम करते हैं। चलिए, तो तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं इस वक्त और ये सिलसिला जारी रहेगा, लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी सिलावट हो या बिसाहू लाल हो या फिर बाकी अन्य लोग, ये वही लोग हैं जो कभी कांग्रेस पर रहा करते थे लेकिन अब तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। ये देखिएगा आप, ये है यहाँ तिलक लगाया जाता, तिलक के बाद आगे बढ़ाया जाता और तिलक भी लग गया आप तो। आपको नहीं, हम तो पूरा भगवा में हो ही चुके हैं, पूरी आचार संस्कार सब हमारे इसमें समावेश। तो देश को जरूरत है भगवा में? नहीं नहीं, पूरे विश्व को जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी नहीं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ पार्टी, पूरा विश्व जानता है कि विश्व के अंदर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका सोच, उनका चिंतन, उनकी कार्य करने की शैली को पूरा विश्व पसंद करता है। कल एक बड़ा बयान दे दिया विजयलक्ष्मी साधो ने मालिनी गौड़ जी को लेकर, आपकी पुरानी सहयोगी नहीं? हमारी छोटी बहन है। मैंने कल भी कहा कि एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का शिवराज जी है जो बेटी की पूजा करता है, वो पूर्व कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारी बेटियों को, मां शक्ति को आइटम बोलते हैं। अब हमारी छोटी बहन साधो को यह पता नहीं है कि जो सोच कांग्रेस के अध्यक्ष का, वो सोच उसी का होगा। एक जो आप जानते हैं कि माननीय गौड़ जी ने लगातार इंदौर का विकास में, देश में इंदौर का नाम स्थापित किया स्वच्छता के अंदर, एक बार नहीं चार बार वो माननीय गौड़ जी ने किया है। इस प्रकार की टिप्पणी करना कोई इस मध्य प्रदेश में कर सकता है तो कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। और मैं तो विजयलक्ष्मी साधु जी को बोलता हूँ, ये कल आप पे भी कोई टिप्पणी करेगा ये अच्छी बात नहीं, मार शक्ति का अपमान है, उनका अपमान नहीं मां शक्ति का अपमान है, विधायक का अपमान है, हमारे इंदौर का अपमान है, महापौर का अपमान है। जिस हमारी आदरणीय माननीय गौड़ जी ने इस अहिल्या की नगरी का गौरव राज के चैतित पे चार बार स्वच्छता में नंबर वन दिलाया, वो माननीय गौड़ जी थी। लेकिन कल प्रत्याशी घोषित कर दिया कांग्रेस, तो क्या हो गया? पूरे मध्य प्रदेश के नगर इकाय में भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाएगा। शुरुआत अलग कर दी कांग्रेस ने कुछ इस बार, अब उनके पास बचा क्या शुरुआत करने के अलावा? चलिए, कुछ नहीं बचा ऐसा ये कह रहा है, लेकिन ये दौर चलता रहेगा और लगातार विधायक और मंत्री यहाँ पहुंचे।